नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हुराशी। आइए खबरों की शुरुआत करें। किसान कांग्रेस के महासचिव लक्ष्मण कुमार झा के नेतृत्व में सुपौल समाहरणालय के सामने उग्र प्रदर्शन किया गया, जहां किसान कांग्रेस के महासचिव लक्ष्मण कुमार झा ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सुपौल जिला समाहरणालय के सामने प्रदर्शन करते हुए कहा कि सुपौल शहर में लगातार सड़की सिकुड़ती नजर आ रही है और शहर लगातार जाम की समस्याओं से आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस समस्याओं को दूर करने को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि अगर जल्द ही शहर में लग रहे जाम की समस्याओं का निजात नहीं दिलाया गया तो सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। हम आज सुपौल समाहरणालय द्वार पर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन सुपौल में जाम तो नहीं कहिए, पूरे महाजाम कहिए, चारों ओर पूरे शहर में जाम ही जाम लगा रहता है। तो मैं आज आया हूँ जो अविलंब जो है जिला प्रशासन से और श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय को 3 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन समर्पित करेंगे। और मेरा पहला मांग है जो सुपौल में जो अभी ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है, उस ओवर ब्रिज का निर्माण जो है सो उसको बढ़ा करके हुसैन चौक तक कराई जाए। दूसरा मांग है मेरा जो सुपौल के एक बगल से साइड से एक बाईपास सड़क की निर्माण कराई जाए। और तीसरा है पूरे शहर की अतिक्रमण मुक्त करते हुए सभी सड़कों को अभिलंब जो है चौड़ीकरण करवाई जाए, जिससे जाम की से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि आए दिन लोगों को, पेशेंटों को जो कोई दुर्घटना होती है, कोई जरूरी काम से आते हैं, लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलना पड़ता है, चाहे सदर अस्पताल जाना हो या प्राइवेट नर्सिंग होम जाना हो या सरकारी कार्यालय जाना हो, लोगों को कई तरह की परेशानी झेलना पड़ता है। मेरा मांग है अभिलंब जिला प्रशासन से इस और हमारी मांग पर पहल करें। हमारी मांग को अभिलंब अगर पूरी नहीं करते हैं तो मैं पूरे सड़क की शहर की चक्का जाम करने का आज घोषणा करता हूं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।